हेलो एवरीवन, मैं हेमलता कुंपावर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हमने पिछली बार राष्ट्रीय शक्ति का क्या अर्थ है, राष्ट्रीय शक्ति क्यों आवश्यक होती है, उसकी कौन कौन से एलिमेंट्स या तत्व हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में संक्षेप में अध्ययन किया था। आज हम इसके हर एक जो एलिमेंट्स हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल को लेते हैं। भूगोल का अभिप्राय है कि राष्ट्रीय शक्ति में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में होती है। जैसे कि एक बार नेपोलियन ने कहा था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। भूगोल राष्ट्रों की शक्ति के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है, साथ में यह एक महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक भी है। जैसे किसी देश की का क्या क्षेत्रफल है, उसकी जलवायु क्या है, उसकी स्थलाकृति क्या है और उसकी अवस्थिति कहाँ क्या है, ये सब भूगोल इन्हीं चार घटकों से विवेचित होता है। तो इस प्रकार से हम भूगोल को चार भागों में बांट सकते हैं, क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति और अवस्थिति। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल से तात्पर्य है कि जिस राष्ट्र का जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसकी सुरक्षात्मक दृष्टि उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि इसके दो फायदे हैं कि एक तो वो ज़्यादा जनसंख्या को संभाल सकता है और दूसरे उसके पास प्राकृतिक संपदा भी ना केवल अधिक होगी बल्कि विविध प्रकार की होगी। लेकिन बड़ा जो क्षेत्रफल होता है किसी भी राष्ट्र का, वो इन सब के अलावा एक चीज़ और देता है कि जैसे सन 1937 से 45 अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतर्गत जापान चीन को उसके विशाल क्षेत्रफल के कारण ही पराजित नहीं कर पाया था। अमेरिका और रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन वो महाशक्ति है, लेकिन बड़ा क्षेत्रफल होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि जंगलों से भरा ब्राज़ील, रेगिस्तान से भरा ऑस्ट्रेलिया, जमे हुए बर्फ का वीरान क्षेत्र वाला कनाडा क्षेत्र, दृष्टि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत बड़े राष्ट्र हैं, किंतु इससे उनकी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि नहीं हो पाती। जबकि कनाडा और ब्राज़ील आकार की दृष्टि से विश्व के तीसरे और चौथे राष्ट्र हैं, परंतु शक्ति की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकार शक्ति देता, दूसरी ओर शक्ति आकार को बढ़ाती है। संक्षेप में, विशाल क्षेत्रफल या आकार से कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन जाता। सहारा जैसे विशाल आकार वाले रेगिस्तानी राष्ट्र से तो जापान और बेल्जियम ही अधिक प्रभावशाली है। दूसरी बात करते हैं हम क्लाइमेट, जलवायु की। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जलवायु के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना है। जैसा कि हटिंगटन ने लिखा है कि जहाँ भी सभ्यता उत्कृष्ट है, एक विशिष्ट प्रकार का मौसम व्याप्त है। अतीत में उसी प्रकार का मौसम उन स्थलों पर व्याप्त रहा जान पड़ता है जहाँ महान सभ्यताएं उठी। इसलिए ऐसा मौसम महान प्रगति की एक आवश्यक शर्त जान पड़ता है। व्यवहारिक दृष्टि से भी हम देखते हैं कि जलवायु महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है और इसका देश के उत्पादन पर, उसके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, उसके चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। विद्वानों की तो यहाँ तक मान्यता है कि कोई भी राष्ट्र महाशक्ति बनने की आकांक्षा केवल उस समय कर सकता है जबकि उसकी जलवायु समशीतोष्ण है। कैसी जलवायु हो? समशीतोष्ण जलवायु हो, क्योंकि जो भी राष्ट्र आज तक शक्तिशाली हुए हैं वो शीतोष्ण कटिबंध में ही हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ठंडे जलवायु के लोग होते हैं वो ज़्यादा कर्मठ होते हैं बनिस्पत उन लोगों के जो कि गर्म जलवायु के निवासी हैं। जलवायु की विषमता के कारण ही सहारा रेगिस्तान, जिसका आकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर है, वीरान और मानव रहित है। और अतिवृष्टि के कारण अमेजन जो बेसिन है वो बिल्कुल अनुपयुक्त हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये इसकी जलवायु की विशेषता है और इसी कारण भारत कृषि की दृष्टि से पिछड़ गया है।
उष्णकटिबंध के प्रदेश और मरुस्थली क्षेत्र महाशक्ति के रूप में उनके उभरने की संभावना बहुत कम होती है। जलवायु से ही लोग उस प्रकार के कामों में लगते हैं जो किसी औद्योगिक आधुनिक राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन यह भी एक तथ्य या फैक्ट है कि आज जलवायु के बावजूद रेगिस्तानी इलाके शक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। आज रेगिस्तान में पेट्रोल और यूरेनियम युक्त खनिज मिल रहे हैं और परमाणु अस्त्र बनाने के लिए यूरेनियम अनिवार्य वस्तु है। तो इस प्रकार से इसका भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्थलाकृति की। स्थलाकृति अर्थात टोपोग्राफी किसी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने में जलवायु से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जलवायु वहाँ की भू आकृति द्वारा निर्धारित होती है। सर्दी होगी, गर्मी होगी, वर्षा होगी, तापमान होगा, वायु का बहाव किस दिशा की ओर है, यह सब कुछ स्थलाकृति से प्रभावित होती है। स्थलाकृति के लक्षणों में राष्ट्रों के बीच की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण भी होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर दो राष्ट्र के मध्य नदियाँ, पर्वत या समुद्र से घिरे हुए राष्ट्र होते हैं तो वो ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, उनकी सीमाएं प्राकृतिक नहीं होती है, वो असुरक्षित ज़्यादा रहते हैं। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हिमालय, उत्तर में हिमालय भारत को बहुत लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता रहा है। इसी प्रकार से अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों से अमेरिका को प्राकृतिक सुरक्षा की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थलाकृति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। कल हम इसी को आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।